आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, सुपाचन चरित्र क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है? तो सुपाचन चरित्रम मेवाड़ शैली के अंदर, मेवाड़ के राजा मोकल के समय एक चित्रकार हुआ था जिसका नाम था हीरानंद। इस हीरानंद के द्वारा सुपाचन चरित्र नामक एक चित्रित ग्रंथ किया गया था और मेवाड़ के राजा मोकल के समय। इसके अलावा मेवाड़ में जगत सिंह फेस्ट के समय मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है और जगत सिंह फेस्ट के समय साहिब दीन के द्वारा रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया जैसे ग्रंथों पर चित्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो ये मेवाड़ चित्र शैली से किस है? मेवाड़ चित्र शैली के अंदर जगत सिंह फेस्ट के समय साहिब दीन के द्वारा रागमाला, गीत गोविंद और रसिक प्रिया पर चित्रित किया गया था और ये किस मेवाड़ के राजा जगत सिंह फेस्ट के समय। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेवाड़ में राजा तेज सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी, जो कि एक चित्रकार था जिसका नाम था कमल चंद के द्वारा मेवाड़ के राजा तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी पर एक ताड़ के पन्ने पर यह चित्रित किया गया था। और राणा लाखा के समय धनसार एक चित्रकार था जिसके द्वारा कल्प सूत्र पर चित्रकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है बनी ठनी, तो मेवाड़ चित्र शैली से कौन सी है? गीत गोविंद। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बनी ठनी कहां की? किशनगढ़ अजमेर की, नियाल चंद मोर ध्वज के द्वारा। वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला का चित्रांकन किसने चित्रित किया गया था? तो 1628 जगत सिंह फर्स्ट के समय रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था मेवाड़ के अंदर? साहिब दीन के द्वारा। किसके द्वारा? साहिब दीन के द्वारा यह चित्रित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रागमाला का चित्रण 3 जगह हुआ। एक रागमाला का चित्रण मेवाड़ के अंदर हुआ और मेवाड़ के राजा जगत सिंह फेस्ट के समय साहिब दीन के द्वारा किया, एक तो ये हुआ। इसके अलावा एक चावंड के अंदर हुआ था। चावंड के अंदर राग माला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो चावंड के अंदर नसीरुद्दीन के द्वारा राग माला का चित्रण किया गया था और उस समय अमर सिंह फेस्ट के समय चावंड के अंदर राग माला का चित्रण नसीरुद्दीन के द्वारा अमर सिंह फेस्ट के समय किया गया था। इसके अलावा एक रागमाला का चित्रण मारवाड़ के अंदर हुआ। कहां पर हुआ था? मारवाड़ यानी कि जोधपुर चित्र शैली के अंदर हुआ था और इसके अंदर वीर जी के द्वारा किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया, वीर जी के द्वारा यानी कि जोधपुर में यानी कि या फिर मारवाड़ चित्र शैली में रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो वीर जी के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखना, यानी कि इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, साहिब दीन तो कहां का है? मेवाड़ का, जगत सिंह फेस्ट के समय। लेकिन एक साहिब राम पूछे तो आपका आंसर होगा ये जयपुर का प्रमुख चित्रकार था। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रहण है? तो राजस्थान के अंदर मेवाड़ चित्र शैली में मेवाड़ के राजा रावल तेज सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार हुआ था जिसका नाम था कमलचंद। और इस कमलचंद के द्वारा 1260 ईस्वी में कमलचंद के द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रित किया गया था और मेवाड़ के राजा तेज सिंह के समय, और ये ताड़ के पन्ने पर किया गया एक चित्रित ग्रंथ है और ये मेवाड़ शैली का उपलब्ध प्रथम
ग्रंथ माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में सबसे पहले कहां से चित्र शैली का प्रारंभ हुआ, तो आपका आंसर होगा मेवाड़ से चित्र शैली से राजस्थान के अंदर प्रारंभ हुआ था चित्रकला का। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आ गया, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिक ग्रंथ किसके काल के समय चित्रित हुआ, तो ये तेज सिंह के समय यानी कि मेवाड़ के राजा तेज सिंह के समय कमल चंद के द्वारा ताड़ के पन्ने पर यह चित्रित किया गया। 1260 ईस्वी के अंदर यह चित्रित किया गया था और मेवाड़ शैली में उपलब्ध प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तेज सिंह। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। अब मेवाड़ चित्र शैली में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो तेज सिंह के समय कमल चंद के द्वारा ताड़ के पन्ने पर चित्रित किया गया 1260 ईस्वी में, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, अर्थात राजस्थान में सर्वप्रथम कौन से स्थान से चित्र शैली का प्रारंभ हुआ, तो ये मेवाड़ से हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, दो नंबर, मेवाड़ से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का जन्म मेवाड़ से हुआ। अगर पूछे कि राजस्थानी विचारधारा से प्रभावित, क्या पूछे, अगर पूछे कि राजस्थानी विचारधाराओं से प्रभावित चित्रकला का प्रारंभ राजस्थान में कहां हुआ, तो आपका आंसर होगा बूंदी से। क्या पूछा, राजस्थानी चित्रकला से प्रभावित चित्रकला राजस्थान में कहां से हुई, तो आपका आंसर होगा बूंदी। अगर पूछे कि राजस्थान में कौन सी शताब्दी में चित्रकला का प्रारंभ हुआ, तो राजस्थान में 15वीं शताब्दी के अंदर चित्रकला का प्रारंभ हुआ था। कब, 15वीं शताब्दी। अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कौन सी शताब्दी के मध्य चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है, तो राजस्थान के अंदर 17वीं व 18वीं शताब्दी के अंदर चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। और प्रश्न पूछे कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 15वीं शताब्दी, और स्वर्ण काल कौन से शताब्दी को माना जाता है, तो आपका आंसर होगा 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर पूछे कि भारतीय चित्रकला का प्रारंभ किसके समय हुआ था, तो आपका आंसर होगा जहांगीर के समय। कब हुआ था, जहांगीर के समय। जहांगीर के समय भारतीय चित्रकला का स्वर्णिम युग माना जाता है, सॉरी, यानी कि भारत में चित्रकाल का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है, तो जहांगीर के समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो अटपटी पगड़ी ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंध रखती है। इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर का, यानी कि ये अकबर के समय, आपकी जानकारी लिए बता दूं, ये अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति से बनी अटपटी पगड़ी का प्रचलन था। किसके समय, मेवाड़, यानी कि अकबर के समय, सॉरी, और ये मेवाड़ के अंदर प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नसीरुद्दीन निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था, तो पहले आपको जानकर लिए बता दूं कि चावंड चित्रशैली महाराणा प्रताप ने इसे 1585 में अपनी राजधानी बनाया था, और तब से चावंड चित्रशैली प्रारंभ हुई थी। और चावंड चित्रशैली का स्वर्णिम युग अमर सिंह फेस्ट के समय माना जाता। और अमर सिंह फेस्ट के एक दरबारी चित्रकार थे जिसका नाम था नसीरुद्दीन, और इसके द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा, तीन नंबर। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चावंड चित्र शैली का प्रारंभ कौन से राजा के समय हुआ, तो आपका आंसर होगा प्रताप के समय। अगर पूछे कि चावंड चित्र शैली में का स्वर्णिम युग कौन से राजा के समय, तो आपका आंसर होगा अमर सिंह फेस्ट के समय। और अमर सिंह फेस्ट के समय इसके दरबारी चित्रकार थे नसीरुद्दीन, और इसके संरक्षण में रहते हुए, यानी कि नसीरुद्दीन के द्वारा अमर सिंह के संरक्षण में रहते हुए रागमाला का चित्रण किया गया था। और राजस्थान में तीन जगह रागमाला का चित्रण हुआ, एक तो मारवाड़ में हुआ जो कि वीर जी के द्वारा, एक
चावंड के अंदर हुआ, जो कि नसीरुद्दीन जो अमर सिंह फेस्ट के समय और एक रागमाला का चित्रण हुआ था जगत सिंह फेस्ट के समय मेवाड़ चित्रशैली में साहिब दीन के द्वारा इसका चित्रकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ तीन नंबर का। अगला क्वेश्चन, चावंड चित्र कला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये मेवाड़ की उप शैली मानी जाती है। हमने देखा था कि मेवाड़ की प्रमुख उप शैलियां कौन कौन सी हैं। तो मेवाड़ की उप शैलियों के अंदर हमने देखा कि नाथद्वारा चित्रशैली, चावंड चित्रशैली, उदयपुर शैली व देवगढ़ चित्रशैली, बेगू चित्रशैली, सापुरा चित्रशैली व केलवा जो चित्रशैली है वह मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? तो कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है और ये पिछवाई कला किसे कहते हैं, यानी कि ये मंदिरों के पीछे, यानी कि मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवारों को ढकने वाले कपड़ों पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कला कहलाती है। क्या? मंदिरों में मूर्ति के पीछे दीवारों पर, यानी कि दीवारों को ढकने पर वाले कपड़ों पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कला कहलाती है और ये अधिकांश भगवान कृष्ण के चित्र चित्रित किए जाते हैं इस पिछवाई कला पर। इसका राइट आंसर होगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से, बीकानेर, अलवर, ये नाथद्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा नाथद्वारा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाथद्वारा चित्रशैली जो मुख्य रूप से ब्रज शैली व उदयपुर शैली का समन्वित रूप देखने को मिलता है, यानी कि नाथद्वारा चित्रशैली जो कि ब्रज शैली जो उत्तर प्रदेश की है और राजस्थान के अंदर उदयपुर शैली, इन दोनों का मिश्रण रूप देखने को मिलता है, इन दोनों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। और नाथद्वारा शैली के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे जो दीवारों को ढकने के लिए कपड़ों पर बनाई गई या पर्दों पर बनाई गई चित्रकारी पिछवाई कला के नाम से जानी जाती है। और नाथद्वारा की चित्रकला का स्वर्णिम युग राज सिंह फेस्ट के समय माना जाता है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाथद्वारा चित्रशैली के प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए थे? तो एक तो नारायण, एक चतुर्भुज, एक घासीराम, इसके अलावा एक उदयराम, ये प्रमुख चित्रकार हुए थे। और नाथद्वारा चित्रशैली में हरे व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, एक तो पिछवाई कला नाथद्वारा के प्रसिद्ध है और किसके समय स्वर्णिम युग था? राज सिंह फेस्ट के समय इसका स्वर्णिम युग था। और प्रश्न पूछे इसके प्रमुख कौन कौन से चित्रकार हुए थे? तो इसके नारायण, चतुर्भुज, घासीराम व उदयराम, ये प्रमुख इसके चित्रकार हुए थे। और इसमें हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है, कहां पर? नाथद्वारा चित्रशैली। और नाथद्वारा चित्रशैली में धार्मिक प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है और ये भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण चित्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो ये यहां पर आएगा कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथद्वारा चित्रशैली, यानी कि ये कपड़ों पर बनाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? कपड़े पर, यानी कि श्रीनाथ जी के मंदिर के मूर्ति के पीछे जो दीवारों को ढकने के लिए जो कपड़े उपयोग लिए जाते हैं, उस कपड़ों के पर्दों पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए चित्र बनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पिछवाई कला। अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजा के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। तो आपका आंसर होगा
किचवाई कला। और इसके अलावा हमने रागमाला का चित्रण तीन जगह देखा था, मेवाड़, मारवाड़ और चावंड के अंदर तीनों जगह देखा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से ही सुमिलित नहीं है? यानी उस चित्रकला के समय कौन कौन से राजा वहां के थे या नहीं थे, इस प्रकार क्वेश्चन है। अनूप सिंह बीकानेर के थे, बिल्कुल सही है। राज सिंह फर्स्ट नादौरा, बिल्कुल सही है। सावंत सिंह किशनगढ़, बिल्कुल सही है। विजय सिंह देवगढ़, ये गलत है, क्योंकि विजय सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के थे। कहाँ के थे, जोधपुर के थे। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में हुआ और राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णिम युग 17वीं व 18वीं शताब्दी को माना जाता है। और राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का प्रारंभ मेवाड़ से हुआ, यानी कि मेवाड़ को चित्रकला की जननी कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर राजस्थानी विचारधारा की प्रमुख चित्रकला का प्रारंभ बूंदी से हुआ, लेकिन राजस्थान में मेवाड़ के कौन से राजा के समय चित्रकला का स्वर्णिम युग था? तो आपका आंसर होगा जगत सिंह, जगत सिंह फर्स्ट। एक बार आज सभी लिख दीजिए। अलवर के कौन से राजा के समय चित्रकला का स्वर्णिम युग था? तो आपका आंसर होगा विनय सिंह, आपका आंसर होगा विनय सिंह। अगर पूछे कि बूंदी के कौन से राजा के समय चित्रकला का स्वर्णिम युग था, तो आपका आंसर होगा उमेद सिंह, आपका आंसर होगा उमेद सिंह। मेवाड़ के समय जगत सिंह फर्स्ट के समय स्वर्णिम युग, अलवर में विनय सिंह के समय, बूंदी में उमेद सिंह के समय। इसके अलावा चावंड, चावंड में अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट के समय। अगर पूछे कि मेवाड़ का लिख दिया, अगर पूछे कि जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर स्वाई स्वाई प्रताप सिंह के समय स्वर्णिम युग था चित्रकाल का। इसके अलावा प्रश्न पूछे कि जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर कौन से राजा के समय, तो जोधपुर के अंदर मानसिंह, मानसिंह का शासनकाल था 1803 से लेकर 1843, इन मानसिंह के समय जोधपुर चित्रकला का स्वर्णिम युग था। अगर पूछे कि बीकानेर, बीकानेर के समय, तो बीकानेर के राजा अनूप सिंह, अनूप सिंह के समय चित्रकाल का स्वर्णिम युग था। तो ये प्रमुख। और प्रश्न पूछे देवगढ़, देवगढ़ जो कि मेवाड़ की उपशैली है, देवगढ़, तो देवगढ़ जय सिंह के समय, जय सिंह के समय, यानी देवगढ़ के राजा जय सिंह के समय उसका स्वर्णिम युग था। तो ये प्रमुख, यानी कि कौन सी चित्रकला के समय, कौन से राजा के समय इसका स्वर्णिम युग था। और भारत में जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो जहांगीर के समय, जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627, और इसके मध्य भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के समय, और जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 के मध्य। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पिछवाई चित्रकला का मुख्य विषय है, तो श्री कृष्ण जी की लीला, इसका राइट आंसर होगा एक, क्योंकि पिछवाई कला मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़ों पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी पिछवाई कला कहलाती है। और ये अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए चित्र सर्वाधिक उखेरे जाते हैं। कहाँ पर? नाथद्वारा चित्रशैली। और नाथद्वारा चित्रशैली में वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों पर सर्वाधिक ये प्रचलित मानी जाती है। और नाथद्वारा में प्रमुख चित्रकार हमने देखा नारायण, नारायण, और इसके अलावा चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम, और जिसमें हरे व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है नाथद्वारा चित्रशैली में। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था। अब क्या प्रश्न पूछा है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र था, तो राजस्थान में बूंदी से, यानी कि राजस्थानी विचारधारा से प्रभावित जो चित्रकला का प्रारंभ राजस्थान में बूंदी से हुआ था। अगर पूछे कि राजस्थान में चित्रकला का प्रारंभ कहां से हुआ, तो आपका आंसर होगा मेवाड़। अगर पूछे कि राजस्थानी विचारधारा से प्रभावित, तो आपका आंसर क्या होगा? बूंदी, क्योंकि बूंदी में
राजस्थानी विचारधारा का प्रमुख केंद्र था। यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों के चित्र बूंदी के अंदर सर्वाधिक प्रधानता देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो ये बूंदी के अंदर, क्योंकि बूंदी में पशु पक्षियों के चित्र की प्रधानता सर्वाधिक देखने को मिलती है। इनकी सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण कहां पर हुए थे? बूंदी के अंदर। और बूंदी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ था। कैसा? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग बूंदी के अंदर हुआ था और प्राकृतिक सौंदर्य पर अधिक बल दिया गया था बूंदी चित्र शैली के अंदर। और बूंदी में एक दुगारी चित्र शैली भी प्रसिद्ध है। दुगारी चित्र भी ये प्रसिद्ध माना जाता कहां का? बूंदी का। और बूंदी के अंदर उमेश सिंह के समय, बूंदी में उमेश सिंह के समय बूंदी चित्र कला का स्वर्णिम युग माना जाता है। और इसी के समय एक चित्रशाला का निर्माण कर रहा था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्रशाला का निर्माण बूंदी के कौन से राजा के समय करवाया था? तो ये उमेश सिंह के समय करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दुगारी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी शैली की प्रसिद्ध मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। इनकी चित्रशाला कहां स्थित है? तो आपका आंसर होगा बूंदी में। और इस चित्रशाला का निर्माण बूंदी के कौन से राजा ने करवाया था? तो आपका आंसर होगा उमेश सिंह के समय इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें इस चित्रशाला में चित्रित विषय जिसमें धार्मिक आधारित चित्रित किए जाते हैं, राग रागनी चित्रण किए जाते हैं और भगवान कृष्ण की प्रमुख लीलाओं के चित्रण किए जाते हैं, तीज त्यौहार से संबंधित चित्रण किए जाते हैं और प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रण किया जाता है। और इस बूंदी चित्र शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ और इसमें चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर होगा उमेश सिंह के समय करवाया गया था। और राव अनिरुद्ध सिंह के समय हमने देखा था कि 84 खंभों की संतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के समय